हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ओमिया, ए के फ्रीडम ऑन व्हील्स। और थंबनेल देख के आपको मालूम ही पड़ गया रहेगा कि यस, इट्स माय बर्थडे। और कुछ प्लान नहीं है ज़्यादा, लेट्स सी। अभी एक सी वुड्स है, वहाँ पे जाने का प्लान है। मैं अभी यहाँ पे रिद्धि के लिए वेट कर रहा हूँ। बाइक यहाँ पे पार्क की है, जैसे ही रिद्धि आ जाएगी वैसे हम लोग निकल जाएंगे। आई डोंट नो हम लोग ट्रेन से जाएंगे कि बाइक से जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। और वहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जैसे आगे आगे आपको व्लॉग में मालूम पड़ जाएगा कि क्या होगा। सो यप, सो आई वाज जस्ट सेलिंग कि अभी हम लोग क्या कैसे आगे जाएंगे, आई डोंट नो ऑल्सो। और रिद्धि भी आ चुकी है, यहाँ पे सिर्फ 32 मिनट्स ही है भाई। मैं वो दोपहर का दिखा रहा है, शाम को बहुत ट्रैफिक मिलेगा ऐसे मेरे को लग रहा है। सो ट्रेन संध्या लेट्स सी बताते हैं। तो ये मेरे को बोल रही है बैग ओपन करने के लिए, इसके अंदर कुछ तो है। ओ चॉकलेट, जो कि यही खाएगी जो इसको ही पसंद है ज़्यादातर। कुछ नहीं, मुझे मैंने कुछ नहीं, मेरे को अच्छा लगता है बट और मैंने इससे कुछ ज़्यादा गिफ्ट मांगना भी नहीं था। सो ठीक है, तो बंद करता है। और मैंने कुछ सेटअप नहीं लगाया तो अगर तो मोटो व्लॉगिंग तो नॉट पॉसिबल। जो भी है मैं इसको दे दूंगा पकड़ने के लिए, थोड़ा बहुत आप सीनिक व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो अभी मैं जाके आपको वहाँ पे जाके मिलता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत लेट है। फाइनली वी हैव रीच्ड एट सी वुड्स। और ये इतने बड़े मॉल में वी रियली डोंट नो वेयर इट इज, तो अभी वो ढूंढना एक अलग टास्क है। बट यहाँ पे एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग, एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग इधर है, गेमिंग इधर है, इधर है, किधर है, किधर है, किधर है, कुटे है। तो अभी हम लोग किधर है, इट्स फकिंग टास्क। ऐसे कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन से आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग स्नो वर्ल्ड के यहाँ पे रिसेप्शन में आप टिकट्स निकाल सकते हो। टिकट जो है वो आपको मिल जाएंगे, अराउंड 600 प्राइस है, तो इट्स वर्थ इट। इतना कुछ ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा है। मैंने भी देखा, मतलब मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस फोटोज देखे उसके ऊपर है। अभी अंदर जाके मैं आपको और दिखाऊंगा कैसे क्या है। तो अभी स्लॉट्स ऐसे कुछ आप एक बार देख सकते हो, मैंने जो वीडियो देखा था उसमें स्लॉट्स नहीं मेंशन किए थे, तो मैं आपको स्लॉट्स बता रहा हूँ, तो आप उसी स्लॉट के हिसाब से आ सकते हो बुक कर सकते हो। सो यस, दैट्स इट। अभी देखते हैं फोटोज वगैरह निकालते हैं, 6 बजे तक का टाइम है, 45 मिनट्स है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग टाइम किल करने के लिए गेम जोन आए हैं, और यहाँ का गेम जोन काफ़ी पैसिव है, आने से थोड़ा कॉल वगैरह से काफ़ी पैसिव है। तो यस, अभी यहाँ पे देखते हैं क्या है देखने लाइक, अगर कुछ टाइम पास होने लाइक खेलने के लिए हो सकता है तो खेल भी लेंगे। गेम खेलने को मिल रहा है तो खेल भी रहे सच में यार मैंने कुछ हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं डाला है और गेम भी चल रहा है। अभी हम लोग रिद्धि का ओपन करते हैं। दे सोड़ मोए अरे क्या एड़ा वाला है रिद्धि, तो अब तक वो गिर जाता था। अगर तू खेल रही है तो क्या हो रहा है इधर, अपने आप से कुछ नहीं हम लोग कर रहे। सो टुडे आई एम वेयरिंग नाइकी वेयर सी, और आई आल्सो हैव नाइकी एयर फोर्स, जो हम लोगों ने ट्विन किया था, एक दूसरे को गिफ्ट किया था बर्थडे के लिए, और उसके पहले मैंने ये लिया था। सो आई एम वेयरिंग दिस, सो दिस इज माय प्रीमियम शूज, प्रीमियम स्नीकर। सो यस, वी आर गोइंग एट स्नो वर्ल्ड। तो एकदम कट टू कट टाइमिंग पे आए हम लोग, फोटो सेशन वगैरह खत्म करके यहाँ से एंट्री है। एंड आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ कैसे क्या है। इसी रिद्धि के पास टिकट्स है,
सो यहाँ पे हम लोग बैग्स वगैरह जो भी है वो मतलब कीप कर सकते थोड़ा लॉकर टाइप एंड दैट्स इट। कि थोड़ा भीड़ रहेगा यहाँ पे, रश रहेगा, खाली नहीं रहेगा क्योंकि लोग बहुत है। सो दिस इज ऑल लाइक हम लोग को जैकेट शूज और ग्लव्स जो कि है वो दिया गया है यहाँ से। और जैसे आया नहीं है कि इसको स्लाइड्स वगैरह सब चालू कर रही है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो ये म्यूजिक है वो कॉपीराइट दे सकता है, तो थोड़ा कट करके मेरे को करना पड़ेगा। बट यस इट्स वेरी गुड। थोड़ा टाइम बाद मैं बोला था हाउ इट इज वैसे इसको सिर्फ बढ़ावा करना रहता है खुद का। बट टू बी ऑनेस्ट यस शी इज द बेस्ट। लेजिट मैंने ग्लव्स पहना नहीं है ब्लॉगिंग के लिए और मेरा हाथ अभी से ही मेरे को ऐसा फील हो रहा है स्विम होने के लिए। सो यस, तो ग्लव्स तो पहनो और इसमें अगर ठंडी में अगर आप लग भी गए आपको हाथ का तो फिर हो ही गया सकता है। वी आर ट्राइंग दिस नाउ, ये वाला स्लाइड। एंड गाइस अगर आप लोग आ रहे हो तो अंडरस्टैंड करना, मैं सर्दी में मेरे को मैंने सोचा कितना क्या ही हो जाएगा, फॉग बहुत डेंजर सी रही है, पूरी लाल लाल हो गई है और मेरे से लग रहा है नाक जम गया है, नाक लाल लग रहा था। आई कैन फील, मैं देख रहा हूँ इधर इसमें नाक लाल से ऐसे लग रहा है कि एकदम ग्लॉसी हो गया ग्लॉसी। बट या इट्स वन ऑल द बेस्ट। Trying this one, new one. Next slide. हाँ, और दोनों का वो स्लाइड और ये स्लाइड का रिव्यू मैं आपको नीचे जाके ये स्लाइड करने के बाद देता हूँ। और वहाँ पे एकदम फुल स्लो गिर रही है। तो वहाँ पे भी जाएंगे बट थोड़े टाइम बाद जाएंगे, तो फिलहाल ये एक्टिविटी कर लेते हैं। मैडम को बहुत इच्छा है करने की और ये जो मोड है वो मेरे को देख के और थोड़ा डर लगने लगा है। और एक का दो हो जाएगा। So that, yes, that was the highlight of the vlog and it's done now. So here we are now exiting.
लेजिट माय लेग्स आर लाइक हर्टिंग. हम लोगों ने वो स्की कर दिया, स्केटिंग किया था, आइस स्केटिंग, तो उसके वजह से शूज़ निकाला था, और शूज़ निकाला था तो शूज़ एकदम गीला गीला हो गया. तो यस, नेवर डू दैट, स्केटिंग मत कर दो, मैं तो बोलता हूँ. सो यस, डन विद दिस. और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. बाय द वे, मेरे को मेरा शूज़ दिखाने था आपको इसके लिए. शूज तो दिखाने दो यार. कमेंट डाउन बिलो, आर दे प्रीटी और नॉट, कमेंट डाउन बिलो. कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा भारी, काफ़ी अच्छा था. मैंने फर्स्ट टाइम मेरे बर्थडे में मैंने कुछ तो अलग किया. हर साल कुछ ना कुछ अलग ही करते हैं, हर साल अच्छा ही करते हैं, बट इस बार कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. हाँ, मैंने स्नो तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. होप सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर रियल स्नो में एंजॉय कर पाऊँ. अब दोनों भी मैं अकेला हूँ, हम दोनों भी. हाँ, होप सो, फिंगर्स क्रॉस हो जाएगा. और अभी अभी क्या करना है? हाँ, और एक प्रो टिप देना तो भूल ही गया. एक प्रो टिप ये है कि स्केटिंग करते वक्त शूज मत निकालो, क्योंकि ठंडी का बात नहीं है. मतलब अगर आप शूज निकालोगे ना, तो जो आप एक तो स्केटिंग के लिए अलग शूज रहता है, और जो नॉर्मल शूज है वो अलग है. तो वो नॉर्मल शूज आप निकाल के रखोगे ना, उसके अंदर पानी स्नो का वो मॉइस्चर हो जाता है, और जो भी है मेरे को नहीं मालूम, बट गीला गीला लगता है, और फिर वो ठंड एक्सट्रीम इंटू 10 हो जाती है जो अंदर है उसकी. कर लूंगा. चुप बैठ. कुछ तो मेरे को बोल के कि रुक, इधर ही बैठ जा करके. आई नो उसने कुछ तो प्लान किया रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसको देना ही रहता है. मैंने उसको बोला कि मत कर भाई, कुछ तो रख के दे दीजिए मेरे को. देखो, मैं क्या बोला था, कुछ ना कुछ तो रख के खड़ा करेगी इधर. वॉफल जस्ट फेवरेट थिंग. Here we are, done with everything. Snow world done. खाना लाके हो गया थोड़ा. अभी घर पे जाने का है, केक कटिंग करने का. पूरा दिन अभी मेरा बर्थडे ऑलमोस्ट अभी 80% खत्म होने का. अभी हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं, और उसके पहले वॉफल था जो कि काफ़ी टेस्टी था. और अभी घर पे आ रहे हैं, मम्मी बुला रही है केक कटिंग के लिए. एक केक मम्मी ने बनाया, एक केक पापा ने लाया. वो केक कट करेंगे, उसके बाद खाने के लिए जाएंगे. सो ऐसा कुछ तो प्लान है. मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ आजकल भाई, कुछ बोलने के बाद कुछ भलता ही हो जाता है ब्लॉग में. मैं अभी कुछ बोलता ही नहीं हूँ. जब भी होगा अभी दिखा दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दिखा दूंगा. ऐसा अभी मैं, हाँ, बात खत्म. मैं निकल रहे लाइट से, अभी मैं डायरेक्ट गाड़ी में मिलता हूँ. सो फाइनली रीच एट होम, और अभी 9 बज गए. अभी सब केक कटिंग वगैरह कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग बाहर खाने के लिए सोच रहे हैं जाने का. तो सर, हाँ, हम वही सब केक कटिंग वगैरह करेंगे, और फिर मैं आपको बताता हूँ. ये जो केक है वो पापा ने बनाया, और ये वाला मम्मी ने बनाया. आज फ्रेम आपने देखा जो भी था. अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, और मेरे अंदर अभी हम लोग वहाँ पे हम लोग मस्त बात दी रही, थोड़ा चिल करना है मुझे सब फैमिली के साथ. बहुत हो गया, व्लॉग भी हो गया, सब हो गया. अभी थोड़ा मी टाइम जो रहता है थोड़ा, वो हम लोग अभी टाइम स्पेंड करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई एम एंडिंग माई दिस व्लॉग ओवर हियर. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर योर ऑल द विशेस. काफ़ी अच्छा मेरा बर्थडे था, हर साल अच्छा, बेटर एंड बेटर होता रहता है. टच वुड,
ये साल भी अच्छा था, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा होगा। सो यस, बाय बाय बोला, लाइक शेयर सब्सक्राइब पर बोला, लाइक करा, लाइक 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 करा आणि सब्सक्राइब करा। हां चलो बाय बाय, तीन केलं असतं ना तू, बाय बाय।